morning, everyone. So here we start with chapter circle in your geometry. Okay. ऐसे अगर हम लोग पढ़ने ही जाए तो it's a very easy name, right? Circle, triangle, rectangle. It's very easy. But in your 10th standard, in all the chapter, circle chapter is taking great marks than other chapters. Okay? इसके marks ज़्यादा carryable हैं as other chapters. Okay? तो तुम लोगों को circle अच्छे से ही करना है. ये chapter को तुम लोग skip या omit नहीं कर सकते. Okay? So what do you mean by circle? Basic concept क्या है circle का? The set of points equidistant from a fixed point in a plane is circle. Okay? Circle में center. The segment joining any two point of the circle is called a chord. अभी कोई भी chord तो पता नहीं क्या है. ये chord होते हैं. ये क्या होता है हमारा? डायमीटर होता है. सबको पता है ना जो सर्कल से होके जाता है ये क्या होता है? डायमीटर. ये होता है कॉर्ड. ओके, ये सबको पता है. अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स रिकॉल. अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बायसेक्ट द कॉर्ड. मतलब सेंटर से जो यहां पर लाइन बनती है, ओके, कॉर्ड के ऊपर, ये क्या होती है? ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. मींस ये ए बी है और ये सी है. सी से जो पॉइंट आएगा, ये समझो सी डी. ओके, ये ए बी को क्या करता है? दो हिस्सों में डिवाइड करता है. और यहां पर ये क्या होता है? 90 डिग्री भी बनाता है. ओके, नाउ द सेकेंड इज अ सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर द कॉर्ड. What I said before only, perpendicular the chord. Perpendicular means, यहाँ पर क्या होता है? 90 degree drawn होता है. Congruent chords of a circle are equidistant from the center of the circle. Like, there is one chord, okay, and here is one chord. ये वाला जितना center है ना, उतना ही इसका होगा, okay? यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पर भी. जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका होगा. इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड. द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. याद रखना हमेशा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में इफ दे आस्क अबाउट दिस एम एन ओ, तो व्हाट वी हैव टू सेड, ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी. Understood? ये होगा. Now, last but not least, okay? In your textbook, there is a basic concept of a circle. Okay? Four concepts are there. You have to write in your notebook. Book, okay? And learn it. There is three theorems for 3.1. Okay? In simple terms, I'll understand you, okay? You have to write in your notebook these three theorems. First theorem is tangent theorem. Second one is converse of tangent theorem. Third one is tangent segment circle. May let you know everything about these three theorems. Okay, in tangent theorem, a line perpendicular to the radius at its point on the circle is a tangent to the circle. A line perpendicular to a radius. The point is
ये क्या है हमारा रेडियस है अलाइन, ये ऐसा बनेगा ओके। अलाइन परपेंडिकुलर जो आ रही है रेडियस से पॉइंट ऑन द सर्कल, ये लाइन क्या हो गई हमारी जो टच होकर जा रही है, क्या हो गई हमारी टेंजेंट। अंडरस्टूड? ये तुम लोगों को वहां पर बताना है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, अ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस की क्या रहती है परपेंडिकुलर ही रहती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे टच होने के पर। ओके, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थ्योरम क्या होता है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इन दिस थ्योरम टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इज दैट मीनिंग? लाइक अभी जैसे सर्कल है, एक जो है यहाँ से जा रहा है और एक जा रहा है यहाँ से, ये यहाँ पर नहीं, ये इधर टच होकर जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, ये होता है टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। हम लोग इसको कैसा बोलते हैं, जैसे आप इसको पी नाम दे दिए, क्यू नाम दे दिए, आर नाम दे, तो क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ऐसे समझ में होता है टेंजेंट सेगमेंट। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक दिस टू टू टाइम्स इन योर नोटबुक ऑल थ्री थ्योरम्स। ओके, लेट स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 3.1। इन योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इन फिगर, सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए, ए पे क्या है टेंजेंट ए बी। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द मेजर ऑफ सी ए बी, सी ए बी मतलब ये ऐसे यहाँ पे टच होगा, इसका हम लोग को मेजर निकलना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले कंस्ट्रक्शन, पहले जो जो गिवन है वो लिख देंगे, गिवन लाइन ए बी इज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट क्या किए हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ सेगमेंट सी ए। अब एंगल, अब यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एंगल सी ए बी इज इक्वल 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हुआ ये सी ए बी, क्यों 90 डिग्री हुआ? फर्स्ट थ्योरम तो यहाँ पे लिखना है हम लोग को टेंजेंट थ्योरम। ओके, इसको हम लोग 1 नाम दे देते हैं। नाउ ये हो गया, सी ए बी आ गया हमारे पास 90 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी एंड वाई, मतलब सी से लेकर ये ए बी का क्या डिस्टेंस हो रहा है, ये डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं और क्यों। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट के लिए पहले हम लोग लिख लेंगे कि सेगमेंट सी ए क्या है, परपेंडिकुलर है सेगमेंट ए बी पे। क्यों? तो 1 फ्रॉम 1, ये 1 टेंजेंट थ्योरम की वजह से परपेंडिकुलर हो गया ना, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है। ओके, सो सी ए कितना हो जाएगा, सी ए हम लोग को दिया हुआ है 6, ये सी ए दिया हुआ है हम लोगों को 6 सेंटीमीटर, हम लोगों को गिवन है। ओके, सी इज एट डिस्टेंस ऑफ 6 फ्रॉम लाइन ए, मतलब सी इज एट
डिस्टेंस ऑफ 6 फ्रॉम लाइन ए बी. ओके थर्ड वन डिस्टेंस ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, फाइंड बी सी. बी सी मालूम करना है. ए बी हम लोग को बोला है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, सी ए बी हम लोग का 6 है, सी बी मालूम करना है. ओके थर्ड वन के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ये ट्राइंगल में जाएंगे. इन ट्राइंगल सी ए बी, सी ए इज इक्वल 6 सेंटीमीटर गिवन, और ए बी भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. तो हम लोग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पहले हाइपोटेनियस यानी सी बी जो हम लोग को मालूम करना है, इसी को सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर. सी बी यहाँ पे ये रूट में जाएगा, जाएंगे ये बाहर निकल के 6√2 सेंटीमीटर सी बी आ गया. ओके नाउ बट लास्ट बट नॉट व्हाट इज द मेजर ऑफ ए बी सी. तो इन ए बी सी में हम लोग जाएंगे सिमिलरली ये फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके ये वाला एक फाइंड आउट कर देना. सेकेंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही तरीके से तुम लोग को मालूम करना है. आई विल डू द थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू. ओके लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. सेगमेंट आर है ना टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, मतलब इसमें हम लोग क्या बनाना है, सर्कल दिया है सेंटर ओ. एक सेगमेंट आर एन, सेगमेंट आर एम एन आर ये दिया हुआ है. प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर, मतलब ये बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर ओ आर बाइसेक्ट एम आर एन एज वेल एज एम ओ एन. ओके तो पहले हम लोग प्रूफ में जाते हैं. प्रूफ क्या करना है, हम डायरेक्टली स्टार्ट में ये दो ट्राइंगल ना, ये टेंजेंट सर्कल से क्या हो गया 90 degree हो गया. इन ट्राइंगल आर एम ओ एंड ट्राइंगल आर एम ओ. ओके एंगल आर एम ओ इज इक्वल एंगल आर एन ओ इज इक्वल 90 degree. क्यों, तो टेंजेंट थ्योरम. ओके नाउ हाइपोटेनियस ओ आर ये कॉमन साइड है ना, दोनों ट्राइंगल में क्या है कॉमन साइड, तो हाइपोटेनियस ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस ओ आर. क्यों, तो ये क्या है कॉमन साइड है. नाउ साइड ओ एम और ओ एन क्या है, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल आर एम ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल आर एन ओ. क्यों, तो हाइपोटेनियस साइड थ्योरम ये हो गया. बाकी जो सी ए सी टी बचते हैं वो हम लोग डाल देंगे इसमें, एंगल एम आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन आर ओ, फिर एंगल एम ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन ओ आर. सी ए सी टी में आ गया, मतलब क्या है सेगमेंट ओ आर बायसेक्ट एम आर एन एंड एम ओ. सेगमेंट ओ आर क्या है, बायसेक्ट कर रहा है एम ओ एन को और एम आर एन को. ओके 3.1 सर्कल असाइनमेंट इज यू हैव टू सॉल्व दिस प्रैक्टिस सेट इन योर नोटबुक एंड दोज 3 थ्योरम्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. थैंक यू.